देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आज मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा जो काफी बरसों से काम करता जा रहा है और ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। हमारे देश में आरोप और प्रति आरोप की राजनीति काफ़ी बरसों से चलती आई है, न जाने कब तक चलती रहेगी, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिक्स से हटकर काम करता है जनता के हित में। इस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल टंडन जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई हमारे हित में कि हमें पुलिस का किस तरह से सहयोग करना चाहिए। हम बातों ही बातों में आकर प्रशासन की बुराई तो कर देते हैं कि प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है, प्रशासन को कुछ करना नहीं है, दिल्ली सरकार कुछ करना नहीं चाहती या केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। लेकिन इन बातों को अगर मद्देनजर रखते हुए हम बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी है। हम प्रशासन को क्यों बार बार कोसते हैं? क्या प्रशासन के काम में हमारा सहयोग नहीं बनता कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन की मदद करें? सर, ग्रामीण न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले 1993 से आपने बताया ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा चल रहा है, ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। 13 लोगों से आपने बताया कि शुरू हुई थी, आज लगभग 500 ब्रांचेज हैं पूरे देश में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की करीब आज की तारीख में 550 शाखाओं से ज़्यादा शाखाओं के रूप में कार्य कर रही है, जिसके अंदर समाज में हो रहे अपराधों को रोकने का प्रयास करती है। जरूरी नहीं है कि जो कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं वही सही है, ऐसा भी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं प्रशासन कार्य कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। प्रशासन भी अपनी जगह पे कार्य सही करता है अगर हम सही हैं तो। अगर हमें काम करवाना नहीं आता है, हम उनको कार्य के लिए नहीं जाएंगे, किसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं। उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें जो है इसका सहयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर हमें जो है आज दवाई की ज़रूरत है और हलवाई की दुकान पे जाएंगे तो हमें दवाई हलवाई नहीं दे पाएगा उसमें। और ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास में महिलाओं के आते हैं, जिसके अंदर हम प्रयास करते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम उनको रिलीफ दिलवाने का प्रयास करें। अगर उसके अंदर हमें कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है तो हम वहाँ भी जाके उनका रिलीफ दिलवाते हैं उनको। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे के केस को दबा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर दिखने को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना बोल्ड हैं। हम लोग डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, या हम लोग, ये बात सही भी है, कई लोग प्रशासन के साथ में मिलकर दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप कितने बोल्ड हैं, आप उस कानून के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो किया, 22 नवंबर 1993 को गठन किया, आज 25 साल हो गए। इस साल सिल्वर जुबली के रूप के अंदर मनाया जाएगा और 25 सालों के अंदर हमने हर ज़िले के अंदर काफ़ी लोग हमने तैयार किए हैं उसमें। और उनका सिर्फ यही है कि आपने समाज का सहयोग करना है। जो व्यक्ति पीड़ित होने के बाद में दबकर बैठ जाता है, वो क्यों बैठता है उसमें? उसका सहयोग करो। अगर उसके अंदर अदालत में भी जाना पड़े तो अदालत में भी जाने का प्रयास करो। सर, क्या प्रशासन को कभी पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है? देखिए, हमारे बदरपुर क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर। हमारे यहाँ पे जो नारायण दत्त शर्मा जी हैं वो ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करते नहीं हैं और इस तरह की कोई बात सामने अभी तक नहीं आई। सुन सकते हैं आप लोग के बदरपुर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे दिखने को मिलता है कि पॉलिटिकल प्रेशर प्रशासन के ऊपर आता है। इस मुद्दे पे बात जरूर होगी आरडब्ल्यूए के चेयरमैन बदरपुर विधानसभा से। तो ये कहना है, टंडन साहब जी आए हैं और मैं इन सबका गुजारिश करता हूँ और नमस्कार करता हूँ इन समाज सेविकों को, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और समाज से मैं एसओ साहब भी आए हुए हैं और टंडन साहब ने जो बातें बताई हैं बहुत अच्छी जागरूक बातें बताई हैं, लोगों को इतनी पता जानकारी नहीं थी। आज सबके सामने टंडन जी ने जो बताया है बहुत बढ़िया बताया है और इनको अमल करना चाहिए और सरकार से पुलिस का साथ देना चाहिए। और एसओ साहब भी हैं और ये भी सोचेंगे हमारे बदरपुर क्षेत्र के अंदर कि कोई गलत काम हो रहा है तो ये भी हमारा साथ दें। अगर बदरपुर क्षेत्र की मैं बात
करूँ तो लास्ट के 2 महीनों में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है लोहिया पुल में गिरकर, और उनकी लाश मिलती है आगरा कैनाल पे जाकर, जिस मुद्दे को प्रशासन ने काफी ज्यादा दबाया है, ये और भी मीडिया चैनलों के माध्यम से आपको भी पता होगा। लेकिन अब इस ऑर्गेनाइजेशन बदरपुर में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है, क्या इसके साथ जुड़ने पर इसके बाद बदरपुर में लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार कम होंगे? वैसे तो टंडन साहब ने बताया है और ये हमारे बीच में रहेंगे और शायद आगे से ये थोड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी, कोशिश जरूर करेंगे, समाज सब मिलकर सब साथ देगा तो कोशिश जरूर करेंगे। सुन सकते हैं आप लोग कि वाकई में बदरपुर में 2-3 महीनों में काफी ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जो सिर्फ महिला मेनली काम करेगा, क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल बाद सरकार जरूर बदल जाती है, लेकिन कोई भी ठोस कानून अभी तक महिला आयोग के लिए और महिला सुरक्षा के लिए नहीं उठाया गया। चाहे वो स्वाति मालेवाल का एक देश की बेटी ने अनशन रखा था, उसने भी 9 दिनों में केंद्र सरकार की आंखें जरूर खोल दी, केंद्र सरकार को झुका दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानून सामने नहीं आया है। अब होता क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा, और बदरपुर में ये ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से काम करता है ये भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार पता लगता रहेगा। आगे की और तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हनी सहगल, कैमरामैन राम नारायण साहू के साथ, ग्रामीण न्यूज दिल्ली। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।